वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ ग्रेट डे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्ते. सो टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल गरबा एंड डांडिया नाइट ग्लैम लुक. सो इस लुक को क्रिएट करने वाली हूँ मैं बहुत ही ईजीली एंड अफोर्डेबल बजट में. सो गाइज लेट्स start the video, but before that, if you're new on my channel, then please subscribe to my channel and hit the bell icon for the new and latest videos notifications. So without wasting any time, let's get started. आप देख सकते हो मेरे फेस पे जो है एक अलग ही चमक है. दैट मींस मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रैप अप कर लिया है मेकअप से पहले, और बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ मैंने अपने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लिया है. एंड नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर. प्राइमर अप्लाई करने के बाद जो है मैं यहाँ पे दो प्राइमर अप्लाई करूँगी. येस दैट इज़ स्विस ब्यूटी का रियल बेस हाइलाइटर प्लस प्राइमर. सो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोई इफेक्ट देगा मेरे फेस को, इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. प्लस मेरे स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा मेकअप से. तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फाउंडेशन. दिस इज़ माई फेवरेट फाउंडेशन, दैट इज़ लोरियल का इनफॉलेबल 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, और इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ब्रश से. एंड नाउ मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेंड विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. तो इसे बहुत ही अच्छा सा कवरेज देता है गाइज, अगर एक्ने स्पॉट्स है उसको भी हाइड कर देता है, प्लस ये स्वेटिंग भी नहीं करता है. सो इट्स माई फेवरेट फाउंडेशन. सो नाउ मैं ले रही हूँ कंसीलर, और कंसीलर को मैं अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई कर रही हूँ. नोज हेड फॉर हेड एंड चिन एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, और ब्लेंडर से सेम ब्यूटी ब्लेंडर से जो है ब्लेंड कर दूंगी. तो ये बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के बाद और कंसीलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ मैं कंसीलर को सेट करने के लिए ले रही हूँ स्टे क्विकली का ट्रांसलूसेंट पाउडर. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस, प्लीज़ जाके आप चेकआउट कर लेना. इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, और अप्लाई करने के बाद मैं ओवर द माउथ जो है वहाँ पे ब्रश से जो है उस प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज जो है ओवर द माउथ थोड़ी सी स्वेटिंग होने के चांसेस रहते हैं इसलिए. एंड नाउ मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला जो किट है आईब्रो, और इसमें जेल आईलाइनर किट है ये पूरा. तो ये बहुत ही अच्छा है, और अगेन इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. सो गाइज इसमें आपको 2-in-1 मिल जाता है. आईब्रोज भी क्रिएट कर सकते हो इससे, और विंग लाइनर भी क्रिएट कर सकते हो इससे, कोई भी लाइनर क्रिएट कर सकते हो. सो इसमें एक मुझे ब्रश भी मिला है, एंगल ब्रश, वन ब्रश है बट इसमें दो साइड से, एक में एंगल ब्रश है, और एंगल ब्रश से मैं जो अपने आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ. तो ऐसे फिल इन करने के बाद, बिकॉज इसमें स्पूली नहीं है गाइज, तो स्पूली मेरे पास जो था ब्रश उसी से मैंने अपने जो आईब्रोज का एक्सेस प्रोडक्ट था उसको ब्लेंड करा है. एंड नाउ मैं जो है कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ा सा और अपने फेस को सेट कर रही हूँ ओवर द माउथ जो है वहाँ पे सेट कर रही हूँ, ताकि मेरे स्माइल लाइंस ना दिखे. एंड नाउ मैं आईज़ क्रिएट कर रही हूँ. तो आईज़ के लिए मैंने अपने दुपट्टे से जो मैचिंग कलर है उसको लिया है, और ये है एक्वा ग्रीन कलर. उसको मैंने अपने आईलिड्स और आई क्रीज एरिया में अप्लाई करा है. नाइन लाउड लाइट ग्रीन कलर लिया है, उसको मैंने ओवर द क्रीज मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया, और देन मैंने लिया है पेस्टल ग्रीन शेड, और उसको मैंने इनर कॉर्नर से अपने मिडल आईलिड्स तक अप्लाई करा है. एंड देन लोअर लैश लाइन में मैंने ग्रीन कलर को ही अच्छे से स्मच करा है. एंड नाउ मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईलाइनर जेल. तो इसको मैंने सेम ब्रश जो मुझे इसमें अवेलेबल था उसी से मैंने जो है एक लाइनर क्रिएट करा है. तो लाइनर मैंने थोड़ा थिक और विंग लगाया है, और मैंने अपने इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा यू नो लाइनर अप्लाई करा है, थोड़ा सा इसको मेरे आईज़ को थोड़ा बिग दिखाने के लिए, एंड थोड़ा सा ना यू नो शेप में दिखाने के लिए. बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है इससे. एंड नाउ मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ. तो काजल के लिए मैंने लिया है शुगर कॉस्मेटिक का काजल. सो आप यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हो, बिकॉज शुगर का जो काजल है बहुत ज़्यादा स्मच प्रूफ है. एंड मैंने इसी तरह अपने दूसरे आई को भी कम्प्लीट कर लिया है, और फिर मैं अपने जो है आईब्रोज है उसको जो एजेस है उसको क्लीन कर रही हूँ कंसीलर से एक ब्रश से. एंड नाउ कम्प्लीट हो गया है मेरा आई लुक एंड आईब्रोज. एंड नाउ मैं ले रही हूँ शुगर पैलेट से, जो शुगर का डीफोर्स पैलेट है वहाँ से कॉन्टोर शेड, और कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस को, नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी. एंड देन मैं यहाँ ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लश पैलेट, एंड यहाँ से मैं ले रही हूँ ये सनसेट रोज शेड, और इसको लेके मैं अपना ब्लश क्रिएट कर रही हूँ, लाइक ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एप्पल ऑफ माई चीक्स. सो नाउ इसको अप्लाई करने के बाद मैं यहीं से जो है वो शिमरी सा रोज शेड ले रही हूँ, रोज़ गोल्ड शेड, और उससे मैं अपना एज अ हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ. तो ये वाला पैलेट बहुत ही अच्छा है गाइस, इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी. एंड नाउ मैं रोज़ को भी कॉन्टूर कर हाईलाइट कर रही हूँ. तो आप देख सकते हैं एज अ हाईलाइटर बहुत अच्छा काम कर रहा है. ब्रो बोन्स को, इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी सेम वे में. और गाइज ये बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है, लाइक प्राइस वर्दी है. एंड नाउ मैं मेकअप फिक्सर से अपने फेस को मैं फिक्स कर रही हूँ. एंड नाउ मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर,
तो इससे मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। ओवर लाइन करने के बाद मैं लिपस्टिक फिल इन करूँगी, और लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ पर्पल का मिनीज लिपस्टिक। इसका शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूँगी, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। और लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद गाइज मैं यहाँ पर जो है लिप लाइनर को लेकर दोबारा अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ, ताकि मेरे जो लिप्स है वो पॉपअप हो और बहुत ही अच्छा लगे। एंड नाउ मैं अपने लैशेज़ को कर्ल कर लूँगी, और लैशेज़ को कर्ल करने के बाद मस्कारा से मैं अपने लैशेज़ को जो है 2 से 3 कोट अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। तो मस्कारा मैंने लिया हाइपर कर्ल मस्कारा मेबलिन का। एंड नाउ मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर लिया, फॉल्सेस के मैंने 3D लैशेस लिए हैं स्विस ब्यूटी का। एंड नाउ बिंदी एंड रियल टच अप दे दिया है मैंने अपने फेस को। एंड नाउ मैं ज्वेलरीज वगैरह के साथ अपने लुक को कंप्लीट कर रही हूँ। तो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट। मैंने इस लुक को बहुत ही प्यार से क्रिएट करा है, एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करी है। सो आई लव दिस लुक अ लॉट। आपको ये लुक कैसा लग रहा है डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, और कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो प्लीज़ आप वो मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं ट्राई करूँगी उसे क्रिएट करने की। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।